कर मैं हूँ आपके साथ इंशान नेशनल टू 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। रोटी बैंक ने 8000 गरीब परिवारों को बांटे कंबल। यूपी के फिरोजाबाद जिले के शकुहाबाद नगर के ग्रीन पार्क में रोटी बैंक के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रविवार को गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5000 गरीबों को कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SP ग्रामीण रणविजय सिंह, पूर्व विधायक हरिओम यादव, ओम प्रकाश वर्मा, वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता, निकाय चुनाव प्रभारी बबिता सिंह चौहान थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि रोटी बैंक के सभी सदस्य गरीबों को खाना खिलाकर एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े, कंबल आदि दे रहे हैं, जिससे गरीब सर्दी के सितम से बचा रहेगा। संस्था 7 वर्ष से हजारों लोगों को कंबल बांटकर गरीबों की सेवा कर रही है। ये कम ही देखने को मिलता है कि सभी सदस्य एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। समाज के सभी लोग ऐसे ही मदद के लिए आगे आते रहे तो समाज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, समाज के सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों ने करीब 5000 लोगों को कंबल वितरण किए। फिरोजाबाद से रिपोर्ट ऋषि पंडित। लगभग 47 और 5000 के बीच में कंबल बढ़ गए हैं, कुछ कंबल बचे हैं। चूँकि आपको पता है कि मेरे जो में शादी भी है, तो जो कंबल बचे हैं कुछ लोगों की पर्चियां भी रह गई हैं, अभी जिनकी पर्चियां रह गई हैं उनको एक दो दिन में भी कंबल दे दिए जाएंगे। और बाकी ठंड पड़ेगी तो जा जाकर स्टेशन बस स्टैंड ऐसा लोगों को कंबल दिए जाएंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जाड़े में गरीब लोगों को कंबल वितरण कराया जाता है। शिकोहाबाद कस्बे में जो हमारी संस्था है रोटी बैंक, इसमें जो भी रोटी बैंक के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोगों ने ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जो हमारे गरीब वृद्धजन हैं उनके लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की है। हम सभी लोग आए हुए हैं, आज लगभग यहाँ 5000 लोगों को कंबल वितरण हो रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी जो हमारे वृद्धजन हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं कामना करता हूं कि वो सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। और मैं रोटी बैंक के पदाधिकारी और पूरी संस्था को बहुत ही साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम अच्छा आयोजित किया।